हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वाला में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सब के लिए, क्योंकि ये स्विच बोर्ड के ऊपर है और आप सब जितने भी लोग हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ घर में करते हैं तो आपके घरों में स्विच बोर्ड ज़रूर होगा। तो उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है तो आप लोगों को अच्छी तरह पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कोई फॉल्ट आ जाए तो आप खुद से कर सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्विच क्या होता है। स्विच एक डिवाइस है, नॉर्मल सा एक डिवाइस है, जो क्या करता है, लोड को सप्लाई के साथ जोड़ता है और हटाता है। यानी कि जब हम ऑन करते हैं तो सप्लाई के साथ उसको जोड़ देता है और ऑफ़ करते हैं तो सप्लाई से उसको हटा देता है। यही तो है हमारा स्विच। तो कुछ इस तरह का स्विच होता है हमारा। मान लेते हैं ये हमारा एक स्विच है। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मान लेते हैं ये हमारा स्विच है। तो स्विच इस तरह का होता है, यानी कि ये ऑफ कंडीशन में है। ऑन कंडीशन में यानी कि इस तरह का जो पॉइंट है ये हमारा ऑन कंडीशन में है। तो ये ऑन कंडीशन का स्विच है और ये ऑफ कंडीशन का स्विच है। तो जब हम किसी भी बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो स्विच से हमेशा फेज को गुजारते हैं और न्यूट्रल हमारा यहाँ पे होता है। तो ये हमारा बल्ब है, ये ऑफ कंडीशन में है। यहाँ पे देखिए फेज नहीं जा रहा है, यहाँ से कटा हुआ है। स्विच में तो वही होता है कि फेज कटा हुआ रहता है। जब ये ऑफ रहता है तो ये हमारा बल्ब नहीं जलेगा। उसी जगह अगर हमने इसमें फेज दे दिया, ठीक, और यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया तो ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका फेज भी जा रहा है और न्यूट्रल से वापस आ रहा है। तो किसी भी बल्ब या किसी भी लोड को चलने के लिए क्या चाहिए, आपको उसमें से करंट फ्लो होनी चाहिए और वापस भी आनी चाहिए। तो ये हमारा फेज है और ये हमारा न्यूट्रल है। तो स्विच हमेशा हम फेज में देते हैं। वो क्यों देते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लेते हैं ये हमारा फेज है, ठीक है, फेज को हमने स्विच में दे दिया। तो हम क्या करते हैं, कभी भी कोई फॉल्ट आ जाए, मान लेते हैं इस होल्डर में, तो क्या स्विच को हम ऑफ करके यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा फेज कटा हुआ रहेगा, हम काम करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। उसी जगह अगर हमने न्यूट्रल में मान लेते हैं यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया है, ठीक, ये हट गया हुआ है और ये हमारा फेज है, ये स्विच नहीं है, डायरेक्ट ऐसे है, तो क्या होगा, अगर हम इसको ऑफ करके भी काम करेंगे तो हमारा फेज तो जा ही रहा है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा क्या है, हम यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं कि स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। तो बहुत ही आसान है। मान लेते हैं ये आपका एक स्विच बोर्ड है, ठीक है, कुछ इस तरह का ही स्विच बोर्ड होता है। ये आपका एक स्विच बोर्ड है, इसमें बहुत सारे स्विच होते हैं, ठीक। ये आपका स्विच है, ये आपका एक स्विच है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है, और एक आपके पास 5 पिन है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जब आप स्विच देखेंगे तो उसके नीचे भी स्क्रूप होता है, ठीक है, और उसके ऊपर भी स्क्रूप होता है, होता है ना, जिसमें आप वायर को टाइट कर सके। और ये जो हमारा होता है 5 पिन, वो इस तरह का होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या क्या है कि स्विच को हमेशा फेज में देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका एक एनर्जी बॉक्स है जो घर के बाहर होता है, मान लेते हैं मीटर, मीटर से 2 वायर आते हैं, एक फेज आता है, एक न्यूट्रल आता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं फेज है और ये न्यूट्रल है। तो स्विच को हमेशा फेज में, यानी कि फेज को हमेशा स्विच में देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको स्विच में दे दिया, उसके बाद सारे स्विच में देने हैं तो सारे स्विच में हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे सारे स्विच में कनेक्ट कर दिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 5 पिन है उसको हमें स्विच के साथ कनेक्ट करना है या नहीं। तो स्विच के साथ अगर कनेक्ट करना है तो ये जो जितने भी ये फेज है, मान लेते हैं ये हमने शॉर्ट करके यहाँ से इसमें इसको जोड़ दिया, तो अब ये स्विच अगर हम टिपेंगे तो ये हमारा जलेगा। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रल की। तो हमें 5 पिन के लिए तो न्यूट्रल चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको लेकर आएंगे और 5 पिन में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका फेज भी पहुँच गया और आपका न्यूट्रल भी पहुँच गया। अब हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं हमने एक बल्ब जलाना है, ये हमारा बल्ब है, इसको हमें जलाना है। तो इसका जो फेज वाला वायर है, 2 वायर होगा, एक को हम लाएंगे, मान लेते हैं इस स्विच से हमें जलाना है, तो इसमें देखिए फेज ऑलरेडी जा रहा है और ये भी आपका फेज का है। और न्यूट्रल हम या तो हम इस वायर को यहाँ बोर्ड में लाके इससे कनेक्ट कर दें, या तो हम यहीं से न्यूट्रल ले सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल हमारा क्या होता है, कॉमन,
हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो हम जहाँ पे हमें करीब पड़ेगा न्यूट्रल, हम वहीं से ले सकते हैं, उससे क्या होगा, हमारा वायर बच जाएगा। तो इसलिए या तो आप बोर्ड में यहाँ पे जहाँ पे न्यूट्रल आया है वहाँ पे जितने भी लोड के आपके न्यूट्रल वाले वायर होते हैं सबको लाके कॉमन जोड़ करके एक ही जगह पे जोड़ दें न्यूट्रल के साथ, तो आपका बहुत सारा वायर बेवजह खर्च हो जाएगा, फालतू का वायर लग जाएगा। इसलिए क्या होगा कि जब आपका एक न्यूट्रल चला गया हुआ है, मान लेते हैं ये हमने यहाँ पे न्यूट्रल किसी वजह से लाए हुए हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो अब यह देखिए आपका फेज भी जा रहा है, यानी कि हमने इस स्विच को ऑन किया, तो ऑन किया इसका मतलब ये सट गया, ठीक है। तो देखिए आपका फेज जा रहा है, ठीक है, फेज गया इस बॉल्ब होते हुए और यहाँ से न्यूट्रल वापस आ गया, तो क्या होगा, ये बॉल हमारा ऑन हो जाएगा। उसी जगह अगर किसी फ़ैन को चलाना है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका फ़ैन है, तो इसमें से भी दो वायर आते हैं, तो एक तो आप जहाँ पे स्विच है, मान लेते हैं ये आपका स्विच है, तो वो हो गया, और एक आप न्यूट्रल किसी भी जगह से, मान लेते हैं ये आपका न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल है, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो अब क्या होगा, इसको जब ऑन करेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा, इसका मतलब ये भी हमारा ऑन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या देखा कि स्विच बोर्ड का जो कनेक्शन है बहुत ही आसान है। न्यूट्रल आप बोर्ड में भी से ले सकते हैं, या तो आप किसी भी जगह पे एक न्यूट्रल है तो वहीं पे जोड़ देंगे तो आपका काम करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल हमारा कॉमन होता है, हर जगह न्यूट्रल एक ही तरह का होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप बोर्ड में लेके आए, बोर्ड में लेके आएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा तार का खपत होगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपको इंडिकेटर लाइट जलाना है तो इंडिकेटर लाइट में जलाना है, इसका मतलब इसमें बल्ब है, तो बल्ब कैसे जलेगा, जब करंट फ्लो होगा, इसका मतलब इसको फेज भी चाहिए, है ना, फेज भी चाहिए और न्यूट्रल भी चाहिए। तो न्यूट्रल तो आपने यहाँ पे दे दिया है और फेज आप कहाँ से देंगे, इसमें तो स्विच नहीं चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, आप इधर से ला करके किसी भी एक जगह पे जोड़ देंगे, यानी कि ये सारे फेज हैं तो इसको भी फेज मिलने लगे तो ये हमारा ग्लो करेगा, ऑन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है। फिर भी कुछ रह गया हो इस टॉपिक के रिलेट तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल के वीडियो हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।